अदितामस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 अनेक भक्तगण समय समय पर मुझसे कहते रहते हैं कि क्या उनके जीवन में कोई ऐसा क्षण आ सकता है कि जब वे हिमालय के किसी महायोगी के दर्शन करें। बहुत भीतर की प्यास होती है, ये प्यास उस चिर तृषित आत्मा की है जो महानगरों में कंक्रीट के जंगलों में रह रहकर उकता चुकी है। नीरस परिवेश को देख देख कर उसकी प्यास उसका दम घोंटने लगी है और स्वाभाविक रूप से ऐसे में भीतर से चेतना चीत्कार उठती है कि हमें किसी दिव्य विभूति के दर्शन कराओ। अब संसार ऐसा है कि वह महायोगियों की खोज में जाने नहीं देगा। माया रोक रोक देती है, बांध बांध देती है। आज मैं हिमालय के महायोगी मिलोवन स्टिनको से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। हालांकि पहले भी आप इनसे अनेक बार मिलते रहे हैं, किंतु आज का ये मिलना बहुत विशेष है, अति विशेष है, क्योंकि अभी ये लौटे हैं हिमालय यात्रा से और ये 30 वर्ष इनके पूरे हुए हैं इस समय हिमालय यात्रा के। प्रतिवर्ष ये भारत आते हैं और 1 महीना हिमालय में रहते हैं। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, मिलोवन स्टिनको। आप पहले भी इनको अनेक मेरे साथ कार्यक्रमों में देख चुके हैं और ये जो क्षण है आपके लिए इस समय का, ये समझ लीजिए ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी प्यासी आत्मा के लिए है। क्योंकि हिमालय के उन बर्फीले स्थानों पर बैठकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, आत्मा रीसेट। ये पुस्तक आत्मा रीसेट, और इसमें भगवान शिव के रूप में भी यही हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में भी यही हैं। दो रूप देखिए हैं इनके, वैज्ञानिक का भी और भगवान शिव का भी। और इस पुस्तक की क्या विशेषता है ये भी मैं बताऊंगा। इसको मैं एक सीक्रेट बुक कह सकता हूँ, आत्मा रीसेट इज ए सीक्रेट बुक, एक अति गोपनीय पुस्तक है। और इसके गोपनीय रहस्य कैसे खोले जाएंगे इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले मिलोवन जी पर कुछ बात मैं आपको बता दूं। सामान्यतः हमारा चित्त जो है वो एक निम्न स्तर पर काम करता है, क्योंकि हम जिस परिवेश से घिरे हुए हैं वहाँ सारी लोअर एनर्जी वर्क करती है ज़्यादातर। अब मिलोवन लौटे हैं हिमालय से, हिमालय के उस स्थान से जहाँ पहुँच कर ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति अंतरिक्ष में आ गया हो। और ये वचन हमारे पुत्र का है, अनाहत शर्मा का। अनाहत को मिलोवन अपने साथ हिमालय लेकर गए और उन दुर्गम चढ़ाइयों के बाद जब ये हिमालय में पहुँचे तब हमारे पुत्र ने कहा कि वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा कि जैसे मैं अंतरिक्ष में आ गया हूँ। उसने बताया कि मिलोवन जी के पास इनकी उपस्थिति में वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में केवल वे ही वे हैं और अहम ब्रह्मास्मि की जो वास्तविक अनुभूति होती है, जो ध्वनि होती है, वह उसने वहाँ अनुभव की मिलोवन जी की उपस्थिति में। और मिलोवन वहाँ पर जिस
उच्चावस्था में रहते हैं उसको हम कहते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब है उच्च आसीन, जिसका आसन बहुत उच्च स्थान पर हो गया हो। और हम अज्ञान में कितने घिरे हुए हैं इसको समझ लीजिए कि हम उदासीन का मतलब लेते हैं जो आदमी उदास हो गया हो, सामान्यतः यही कहते हैं ना। तो हम शब्दों के अर्थ कैसे समझेंगे, आप जानिए कि जिस शब्द का इतना महानतम अर्थ है उदासीन, उत्त आसीन, जिसका आसन सबसे ऊंचा है, उसको हमने उदास कह दिया, अर्थ का अनर्थ कर डाला। तो मिलोमन जी की जो ये पुस्तक है आत्मा रीसेट, इसके अंदर ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ये शब्द नहीं मंत्र हैं। और यह पुस्तक घर में होना समझ लीजिए कि जैसे कोई प्रतिमा घर पर है, जागृत प्रतिमा। यह पुस्तक एक जागृत पुस्तक है, एक रहस्यात्मक पुस्तक है। और इस पुस्तक का जब हम बार बार अध्ययन करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़े बड़े निबंध नहीं हैं, ना कोई कविताएं हैं, बस सूत्र हैं छोटे छोटे से, एक एक पंक्ति का सूत्र है। और जिसको संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीन भाषाओं में एक साथ प्रकाशित किया गया है। लेकिन जब आप इन तीनों को क्रमानुसार पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, पढ़ना है, समझ को तो इस्तेमाल ही मत लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहली बार में तो यही लगेगा कि बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर में सफ़ेदी होती है ना, तो जब वो फर्स्ट कोट मारता है, पहला कोट, तो कैसी दीवार गंदी सी लगती है कि कूची के निशान आ रहे हैं। फिर सेकंड कोट, थर्ड कोट, तो तीसरी बार जब वो सफ़ेदी करता है तो दीवार कितनी सुंदर दिखाई देती है। बिल्कुल यही है, पहली बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार, बारंबार पढ़ेंगे, पाठ करना है, पढ़ना है। और इसका लाभ क्या होगा मैं बता दूँ, बार बार पढ़ने से कहीं का बीच का एक ऐसा बिंदु प्रकट होगा जो आपके भीतर किसी चक्र का एक द्वार खोल देगा। क्यों खोल देगा? क्योंकि ये शब्द जिनके भीतर से निकले हैं, वो महायोगी मिलोमन, जिनको हिमालय स्वयं अपनी गोद में बिठाने के लिए निरंतर 30 वर्षों से आमंत्रित करता रहा है। और ये 30 वर्ष तो वे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तो अनंत काल की यात्रा है, आज की नहीं है। ये जैसे भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण से बड़ा योगी कोई नहीं और उनसे बड़ा भोगी कोई नहीं, ठीक इसी प्रकार से मिलोमन स्टेन को एक वैज्ञानिक भी हैं और उसके साथ साथ एक महायोगी भी हैं। दोनों का ये एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का एक समाहार है, दोनों का मिल जाना है। और देखिए इनकी भीतर की करुणा कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को ये हिमालय की चोटियों पर लेकर गए। इन्होंने ये संकल्प लिया था कि मेरा दायित्व है, नैतिक दायित्व, कि मैं एक बार अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को हिमालय की गोद में लेकर जाऊं। तो एक एक करके जितने भी परिवार के सदस्य थे पिछले 30 वर्षों में, ये सभी को लेकर आए। और अब की बार अंतिम सदस्य के रूप में इनके भाई स्लोबोधन जी, स्लोबोधन, आप इनको देख रहे हैं किस तरह से ये एक सन्यासी के रूप में हैं। और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कितने सरल भाव से। और ये स्लोबोधन जी ने हिमालय की यात्रा की, सभी आश्चर्यचकित थे कि इनसे ये यात्रा नहीं हो सकती, जो अवस्था इनकी है ये बिल्कुल हिमालय की यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वरीय शक्ति देखिए, और मिलोमन जी का साथ कि स्लोबोधन जी ने हिमालय की वो यात्रा ऐसे की जैसे कि समतल प्रदेश पर चल रहे हों। स्लोबोधन का अर्थ होता है फ्री मैन, उन्मुक्त मनुष्य, और सच में ये फ्री मैन है। ये स्लोबोधन जैसे कि पंख लगाकर वहाँ पर उड़ गए हों। इनकी जो अनुभूति रही वहाँ पर लौट कर आकर, तो इन्होंने यही कहा कि मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म धन्य हुआ कि मैं हिमालय की यात्रा करके लौटा, कि हिमालय जैसा क्षेत्र शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं अनंत अनंत जन्मों पहले यहाँ पर कोई पर्वत बनकर रहा होऊंगा। ये स्लोबोधन जी का अनुभव है। तो ये अपना सारा व्यवसाय छोड़कर, कार्डियोलॉजिस्ट कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता, आप समझ रहे होंगे, हृदय विशेषज्ञ,
अपना सब काम छोड़कर ये हिमालय यात्रा के लिए चले गए और वहाँ पहुँचकर इन्हें पता लगा कि मेरा जन्म तो अब सार्थक हुआ है। आप मिलोवन जी से मिले इस समय, समझ लीजिए कि जैसे परमात्मा का एक जागृत अंश आपको मिल रहा है। ये शिव भक्त हैं और भगवान शिव के समान इनकी चाल हिमालय में होती है। ये मेरे पुत्र ने बताया, उसने कहा कि मिलोवन जब हिमालय में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव साक्षात चल रहे हों। और ये जो अनुभूति उसने वहाँ अनुभव की, ये अद्वितीय अनुभूति थी, अद्वितीय है। आप सभी इस समय साक्षी हैं इस अद्भुत क्षण के। इस समय इस कैमरे के माध्यम से भी, इस ध्वनि के माध्यम से भी बहुत सारी तरंगें आप तक पहुंच रही हैं। तरंगों का तो सारा खेल है, अब ये तरंगों से ही तो सारा कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। तो तरंगे ही पहुंचती हैं वहाँ पर। अभी आपने मिलोवन जी से ये मंत्र सुना और जिसने भी ये मंत्र सुना वो भीतर की तहों में जाकर, लेयर्स में जाकर वो वहाँ पर बैठ चुका है और वह वहाँ पर ऊर्जा दे रहा है। मैंने उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को आज हनुमान जी की प्रेरणा से पूरा किया है, जो अक्सर ये कहते हैं कि हमें किसी महायोगी के दर्शन कराओ। ये वे महायोगी हैं जो अनंत अनंत जन्मों से प्रतीक्षा करते हैं और फिर शरीर धारण करते हैं, लेकिन सामान्यतः जनमानस इनको कभी नहीं पहचान पाता, देख भी नहीं पाता, कहने के बाद भी नहीं। भगवान राम के साथ भी तो यही था कि उनको सप्तऋषि के अतिरिक्त कोई नहीं पहचान पाया था, कोई भी नहीं। और कितने संशय भगवान राम के प्रति रहे कि ये तो एक साधारण से मनुष्य हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने मुझे दिखाया, बताया कि ये एक महायोगी की आत्मा जो अनंत अनंत जन्मों से हिमालय में ही वास करती रही है और संयोग से इस समय इसका जन्म फ्रांस में हुआ। फ्रांस तो हमें लगता है ना, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती एक परिवार है, एक ही स्थान है। नाम भिन्न हो गया उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन धरती तो यही है, वसुधा तो यही है। और इस वसुधा पर आज एक दिव्य फूल मिलोवन स्टेन को उनके दर्शन का इस समय आपको जो सौभाग्य मिल रहा है, उस सौभाग्य को शिरोधार्य कीजिए, मन में बसाइए और उसके बाद देखिएगा कि आपके भीतर, आपके हृदय के भीतर कैसी सुगंध उठनी आरंभ हो जाएगी। और ये जो पुस्तक है आत्मा रीसेट, इसको अवश्य अवश्य मंत्रों की तरह इसका पाठ कीजिएगा कि जो प्यासे हैं और अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके भीतर के हृदय के चक्र, उसका कोई एक द्वार खुल जाए छोटा सा। हम सारे द्वार खोलने की बात नहीं करते। जो कहते हैं कि सारी कुंडलिनी जाग जाएगी, पूरे चक्र खुल जाएंगे, ना, एक द्वार भी छोटा सा खुल जाए, उस द्वार का एक छोटा सा छेद भी खुल जाए, बहुत होता है। वही नहीं संभाले संभल सकता। कुंडलिनी जागरण की बात तो भूल ही जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। जिन लोगों ने अपने भीतर रखी हुई है बिल्कुल निकाल दे वो, क्योंकि हम नहीं झेल सकते एक छिद्र भी उस दिव्यता का। तो ये तो उसका रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है, साक्षात भी नहीं, प्रतिबिंब है। क्योंकि प्रतिबिंब ही चाहिए। सीधे सीधे सूर्य की रोशनी को कोई नहीं झेल सकता। चंद्रमा से होकर जब वो लौटती है तो चांदनी बन जाती है और चांदनी को हम सब झेल लेते हैं। तो ये आत्मा रीसेट पुस्तक, आत्मा की पुनर्स्थापना, समझ लीजिए कि चांदनी है। हम हनुमान जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आज उन्होंने ये सुंदर क्षण उपलब्ध करवाया, मिलोवन जी के साक्षात दर्शन और इनके भाई स्लोबोधन। कितनी दिव्यता है कि एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को उन उतुंग शिखरों तक लेकर जाना हिमालय के,
जो भारत का मस्तक है, और ये मस्तक, ये भ्रुकुटी के भीतर का मस्तक, यहीं पर तो ये तीसरा नेत्र छिपा है भगवान शिव का। अब मैं मिलोवन जी से विनती करूंगा कि हिमालय में बैठकर वे जो ओम का जाप करते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, उस ओम नाम से वे हमें स्नान कराएं, उसकी वर्षा हम पर करें। ओम Ah.